हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया विक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि इंडिया विक्स की मदद से आप किस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको एग्जिट कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है, जैसा कि अभी रिसेंट में COVID-19 का फॉल आया है, उस तरीके के फॉल से जो है आप बच सकें और अपनी पोजीशन को पहले ही एग्जिट कर दें, ताकि जो है आपका पैसा बच सके। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, वो आपको ऑप्शन राइटिंग में भी हेल्प करेगी। और इसके अलावा दोस्तों, और फ्यूचर में आप जब बड़े लेवल पे जो है अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में पोजीशन अपनी कब काटनी होती है, मतलब कब पोजीशन से एग्जिट करना होता है, इसके बारे में भी दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। अब देखो दोस्तों, इसमें इंडिया विक्स है, इसका मैंने डेली कैंडल का चार्ट ओपन कर रखा है। अब देखो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स जो होता है वो मार्केट के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट जो होता है वो गिर रहा होता है। मार्केट का मतलब है निफ्टी 50 गिर रहा होता है। जब इंडिया विक्स गिर रहा होता है, उसमें जब गिरावट आती है इंडिया विक्स में, तो मार्केट में सडन राइज आता है। ठीक है, तो वो राइज आना शुरू हो जाता है। अब आप देखो, इधर मैंने इंडिया विक्स है और अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये COVID-19 का फॉल है, और आप देखो इंडिया विक्स में राइज आया है। ठीक है, अब देखो आप, जब निफ्टी 50 में तेजी आई है, लगातार तेजी दिख रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिया विक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, एक चीज़ तो ये होगी। ठीक है, ये बेसिक सा फैक्ट था। अब देखो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा मैंने जो ढूंढा और ढूंढ करके निकाला, मैं एक्चुअली ये जो 20-day मूविंग एवरेज है, जिसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, जीरो लॉस स्ट्रेटजीज में भी और मॉडिफाइड जीरो लॉस स्ट्रेटजी दोनों में मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। मॉडिफाइड जीरो लॉस स्ट्रेटजी अभी रिसेंट में ही आई हुई है, उसको जरूर देखें, वहां से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है 5-day का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया है, इसके अलावा मैंने 20-day का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है, और RSI इंडिकेटर भी जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट जो है 20-day का जो ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है ना मूविंग एवरेज की, जब भी मार्केट जो है 20-day का मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, तो मैंने बता रखा है कि वहां पे बाइंग बनती है, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स जो होता है ना, ये 20-day के मूविंग एवरेज के नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोस्तों कभी भी अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, इस बात का ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स जो है वो 20-day के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ जाता है और उसके बाद में जो है अप ट्रेंड में राइज दिखाने लगता है, मैं अभी इंडिया विक्स की बात कर रहा हूँ डेली कैंडल चार्ट पे, ठीक है, तो दोस्तों समझ लेना कि कुछ ना कुछ मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाली है और बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है, तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाना। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों, डेट है 24 फरवरी की, नीचे देखो आप 24 फरवरी की यहाँ पे डेट है आपके सामने, और ये जो है 24 फरवरी को एक बड़ी ग्रीन बार बनी थी इंडिया विक्स के चार्ट पे, उसके बाद भी दोस्तों लगातार जो है वोलेटिलिटी में इंक्रीज आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में और ये 20-day के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी थी। अब यही जो है चीज को मैं बताता हूं आपको 24 फरवरी से। ठीक है, 24 फरवरी की ये बड़ी बुल जो बार दिख रही है ना आपको, बड़ी ग्रीन कलर की बार, अब मैं आपको निफ्टी 50 के 24 फरवरी पे ही चलते हैं अपन। ठीक है, तो 24 फरवरी के दिन पे आ गए दोस्तों, ये गिरावट देखो आप, निफ्टी 50 में कितनी बड़ी गिरावट आई है। यहाँ पे आकर के अगर आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते तो दोस्तों आपको ये सारा जो लॉस हुआ है मार्केट को, पूरा ये जो आप बर्बादी हुई है, ठीक है, पैसों की, वो नहीं होती। बहुत सारे अच्छे खासे जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा बर्बाद नहीं होता अगर आप जो है ऐसी जगहों पे ही एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से। और अगर मान लो हद से हद भी अगर आप नहीं समझ पाते उस टाइम भी, और इंडिया विक्स को अगर आप यहाँ तक भी फॉलो करते, ठीक है, तो इसके बाद जब इतनी बड़ी ये 28 फरवरी की बड़ी वाली और बड़ी बार दिखती है आपको इंडिया विक्स की, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन अगर आती है अगर फ्यूचर में, तो आप इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, ये इंडिया विक्स है और मैं अब आपको 28 फरवरी की सिचुएशन दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। 28 फरवरी को क्या हुआ फिर मार्केट में? अब देखो दोस्तों, 28 फरवरी तक आते आते मार्केट कहाँ पे, कहाँ से, अगर आप डिसीजन यही ले लेते 24 फरवरी को तो आपका कितना पैसा बच जाता, ठीक है, लॉस होने से बच जाता। लेकिन ये दोस्तों देखो आप किस तरह से ये फॉल हुआ और 28 फरवरी को मार्केट सडनली जो है गैप डाउन ओपन हुआ है और बहुत बड़े अंतर से गैप डाउन हुआ है, ठीक है। 200-300 पॉइंट की गिरावट के बाद गैप डाउन हुआ है, इतना आसान तो नहीं होता है उस टाइम पे रिटेलर के लिए ये बात समझ पाना, उस समय ये इतना आसान नहीं होता है रिटेलर के लिए ये बात समझ पाना कि उसको अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से होती है और वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं अपने ट्रेड्स को लेकर के या अपनी जो भी पोजिशन होती हैं उनको लेकर के। वो अपनी सारी पोजिशन को ऐसी सिचुएशन देख करके एग्जिट कर देते हैं और उस एग्जिट की वजह से ही लगातार और नेक्स्ट कुछ दिनों में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो उस पूरी जो कोविड 19 की न्यूज थी उसको बहुत तेजी से प्रिडिक्ट किया। अब देखो आपको मोदी जी जो है आते हैं और 23 मार्च को आकर के बोलते हैं कि अब इंडिया में लॉकडाउन रहेगा। तो आप देखो जब मार्केट बॉटम तब बना रहा है जब न्यूज आ रही है, ठीक है, और उसके अगले दिन से मार्केट में तेजी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो, इस पूरी व्यू रचना को समझो कि ये मार्केट किस तरह से वर्क करता है। न्यूज तो बहुत लेट आई, ठीक है, 23 मार्च को आई, लेकिन आपको जो है इस बात की भनक जो है पहले ही लग जानी चाहिए थी कि यहाँ पे जो है हमको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अपनी पोजीशन को जैसे ही 20 डे का मूविंग एवरेज के ऊपर आती है आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेनी चाहिए दोस्तों। ये मुझे जैसा कुछ समझ पड़ा है, ठीक है, तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। और इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं बिगिनर्स के साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं मार्केट में डे बाई डे गेन कर रहा हूं, वही चीज़ें शेयर भी कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।